बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज हम सीखेंगे मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास एट का। बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम सीख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 13। आपकी एनसीईआरटी की मैथ्स बुक्स के अंदर भी चैप्टर नंबर 13 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको इसमें से एक्स रीड करके दिखाता हूँ कि क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, इफ 30 मैन कैन प्लो 20 एकड़ ऑफ फील्ड इन वन डे। ठीक है, यहाँ पर 30 मैन है, 30 पर्सन है, आदमी है 30, जो 20 एकड़ को मीन्स जोत देते हैं ट्रैक्टर से या हल से, किसी भी चीज़ से जोत देते हैं एक दिन के अंदर 20 एकड़, 30 आदमी। तो हाउ मैनी मैन कैन प्लो 48 एकड़, तो हमें बताना है 48 एकड़ अगर जमीन हो तो उसके लिए कितने आदमी चाहिए एक दिन में जोतने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ, सॉल्यूशन 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन 8 मैं लिख लेता हूँ और मैं बनाता हूँ टेबल। यहां पर नंबर ऑफ मैन लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैन। ठीक है बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ मैन लिख लेते हैं और यहां पर फील्ड लिख लेते हैं। एकड़, मैं ब्रैकेट में एकड़ भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी दुविधा ना रहे। ऐसे आप देखिए, मैन है 30 और एकड़ जो वो जोतते हैं वो है यहाँ पर 20, और आदमियों के नंबर फाइंड आउट करना है, हम उसको एक्स मान लेते हैं, और 48 एकड़ के लिए कितने आदमी चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको लेट, चाहे तो आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट एक्स मैन, मैन लिख लेता हूं पर्सन को छोड़कर, एक्स मैन प्लो 48 एकर्स ऑफ फील्ड यहां पर ये देखिए इन वन डे। ठीक है बच्चों, ये अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लैंड कितनी होगी, ज्यादा हो गई ना, ज्यादा लैंड के लिए ज्यादा आदमी चाहिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मोर लैंड या मोर फील्ड रेशो, या रेशो भी मत लगाइए, मोर लिख दीजिए खाली, मोर मैन। जब हम पढ़ते थे तो टीचर यहां पर रेशो का साइन लगवा देते थे। ठीक है बच्चों, या आप रहने दें मोर फील्ड, अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है तो मोर फील्ड मोर मैन। तो यहां पर आप इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ जो रेशो है, मतलब दोनों तरफ जो राशि अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, यहां भी मोर यहां भी मोर। ठीक है, तो ऐसे प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट में क्या लिखना है, बिल्कुल सीधा लिखना है रेशो ऑफ मैन, तो 30 रेशो एक्स इज इक्वल रेशो ऑफ फील्ड 20 रेशो 48। अब वही करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म, अब 20 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई 48, और इधर ये हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म हमने लिख दिया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 30 इंटू 48, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 20 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो 0 से 0 को सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से 3 तो नहीं होगा लेकिन 48 हो जाएगा। आइए इसको करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आ गया 24 इंटू 3, 24 3 जा, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जिसको टेबल आती होगी वो 72 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, ऐसे कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 72 पीप मैन चाहिए उस, ये देखिए 72 मैन चाहिए उस
48 एकड़ को प्लो करने के लिए। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।